हेलो दोस्तों, आपका एक नई वीडियो में फिर से स्वागत है। और ये वीडियो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है जो कि इस फेस्टिवल सीजन में 125 सीसी का स्कूटर लेने वाले हैं, क्योंकि आज मैं जो बेस्ट स्कूटर है उसी के बारे में बात करने वाला हूँ। उसमें कंपनी ने कुछ अपडेट किया है, तो उसके बाद जो उसमें कमी थी वो भी दूर हो गई। मैं बात कर रहा हूँ सुजुकी SS125 की। सुजुकी ने यहाँ सुजुकी SS125 में ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ फुल्ली डिजिटल कंसोल का अपडेट कर दिया है, और उसी के बारे में बात करेंगे कि इस अपडेट के बाद इस स्कूटर का प्राइस कितना इंक्रीज हुआ है, और साथ ही साथ क्या आपको फीचर देखने को मिल जाते हैं इस स्कूटर में। और बिना किसी देर के वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारे चैनल में जो भी लेटेस्ट वीडियो का अपडेट और नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू किया जाए। इस अपडेट के बाद जो इस स्कूटर का प्राइस इंक्रीज हुआ है वो हुआ है ₹3,800, और जो ड्रम वेरिएंट के साथ अब इस स्कूटर का प्राइस हो चुका है वो हो चुका है इंडियन मार्केट में ₹77,700 एक्चुअल प्राइस दिल्ली। वहीं अगर डिस्क वेरिएंट की बात करें तो डिस्क वेरिएंट का प्राइस बढ़कर हो चुका है ₹78,600 एक्चुअल प्राइस दिल्ली। और अपडेट की बात करें तो अब इस स्कूटर में आपको फुल्ली डिजिटल कंसोल मीटर देखने को मिल जाएगा, जो कि पहले सेमी डिजिटल में आता था, और सेमी डिजिटल में भी ये काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देता था, बट ब्लूटूथ कनेक्टिविटी और स्मार्ट फीचर इसमें नहीं थे। बट अब सुजुकी के इस अपडेट के बाद वो भी कमी इसकी चली गई है। अब ये इजीली नंबर वन पोजीशन पे आ सकता है, क्योंकि ये पहले मैं बात करूँ तो ये दूसरे पोजीशन पे था, क्योंकि एंटॉर्क में आपको काफ़ी बढ़िया फीचर्स डिज़ाइन मिल जाता था, और इसमें सिर्फ यही कमी थी कि इसमें आपको फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर नहीं देखने को मिलता था। बट ये स्कूटर अपने सेगमेंट में बहुत ज़्यादा बढ़िया है, और इस अपडेट के बाद इस स्कूटर में आपको फुली डिजिटल मीटर तो मिलता ही है, साथ ही साथ टर्न बाय टर्न अलर्ट फीचर मिल जाता है, कॉल एंड SMS अलर्ट फीचर मिल जाता है, व्हाट्सएप अलर्ट फीचर मिल जाता है, और एस्टिमेटेड टाइम अराइवल मतलब आप कितने टाइम में अपने डेस्टिनेशन पहुंचोगे वो मिल जाता है, नेविगेशन मिल जाता है, मिस्ड कॉल अलर्ट मिल जाता है, फ़ोन बैटरी इंडिकेटर जैसे बहुत सारे आपको इस मीटर कंसोल में फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। और वहीं अगर हम बात करें इसकी जो एप्लीकेशन है वो आप गूगल प्ले स्टोर से ईजिली डाउनलोड भी कर सकते हो एंड्रॉयड और iOS दोनों के लिए। तो ये अपडेट है, और इस स्कूटर का जो इंजन है वो 125 सीसी का इंजन है, सिंगल सिलेंडर फोर स्ट्रोक एयर कूल्ड जो कि FI के साथ आता है, BS6 इंजन जो कि पावर प्रोड्यूस करते हैं 88.7 PS की एट 6750 RPM में, और टॉर्क जनरेट करते हैं 10 न्यूटन मीटर की एट 5500 RPM में। और इस स्कूटर में आपको 5 लीटर का फ्यूल टैंक भी देखने को मिल जाता है, और इस स्कूटर की माइलेज पहले वाले मतलब PS4 के मुकाबले 10% तक ज़्यादा भी है। तो आप सोच सकते हो काफ़ी बढ़िया स्कूटर है, और इसका डिज़ाइन भी काफ़ी बढ़िया है, 125 सीसी के हिसाब से क्लासिक डिज़ाइन है, और काफ़ी अच्छे कलर ऑप्शन भी इस स्कूटर में आपको देखने को मिल जाते हैं। तो अगर आप स्कूटर लेने की सोच रहे हो तो आपको इस स्कूटर को जरूर कंसीडर करें। मैं तो कहता हूँ 125 सीसी के सेगमेंट में ये बेस्ट स्कूटर है, तो आप इस स्कूटर को आँख बंद करके ले सकते हो। और आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं।